नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। एक दूसरे के हुए प्रेम युगल, जीत के आगे झुके दोनों परिवार। पहले घर से भागे, फिर मंदिर में हुई शादी। बिहार के छपरा में प्यार को आखिरकार मुकाम मिल गया। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के हो गए। मामला छपरा के डेढ़ निकाह है, जहां घर से भागे प्रेमी प्रेमिका की बुद्धिजीवियों की मध्यस्थता के बाद मंदिर में शादी करा दी गई, जिसके बाद कई सालों से चल रहे आ रहे दो परिवारों के बीच की तनातनी को विराम लग गया। जानकारी के अनुसार सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदटोला निवासी अजीत कुमार का सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र के अंचलपुर गांव की युवती वीरू के साथ विगत कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दूसरे से प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिका के बीच परिवार रोड़ा बन रहा था। लाख समझाने के बाद भी परिवार वाले एक दूसरे को अपनाने को तैयार नहीं थे। पारिवारिक अड़चन से परेशान घर से भाग गए प्रेमी युगल। पारिवारिक अड़चनों से परेशान होकर दोनों घर से फरार हो गए। लड़के लड़की का घर से भागना समाज में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद बुद्धिजीवी और रिश्तेदारों की मध्यस्थता के बीच दोनों परिवार राजी हुए। स्वजनों की रजामंदी के बाद युवक युवती को बुलाकर जनप्रतिनिधि और पुलिस अभिरक्षा में अचीतपुर के मंदिर में विवाह संपन्न हुआ। दोनों प्रेमी युगल बालिग हैं। कल्याणपुर में एक युवक के चाकू से निर्मम हत्या। प्रेम प्रसंग एंगल पर हो रही है जांच। इटखोरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के 46 वर्षीय गोपाल ठाकुर की हत्या अज्ञात लोगों ने चाकू से गोद गोद कर दी। घटना सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे की है। मृतक गोपाल ठाकुर गांव में झाड़फूं का काम करता था। गोपाल ठाकुर बाहर रिश्तेदार के घर गए हुए थे। वे वहां से सोमवार रात 9:30 बजे अपने घर लौटे थे। घर लौटने के बाद वे शौच करने के खेत की ओर गए थे। कुछ देर बाद कनौदी गांव के ननकू साहब की पत्नी भुवनेश्वरी देवी का फोन मृतक के बेटे बहादुर ठाकुर के पास आया कि आपके पिताजी का कोई मार रहे हैं। इसी बीच बहादुर और गांव के कुछ लोग उन्हें खोजने गए। रात में खोजबीन करने के बाद गोपाल का शव कनौदी सीमाना चातर के खेत में मिला। भुवनेश्वरी नाम की महिला से युवक की हो रही थी बात। उसी वक्त हुआ हमला। छानबीन के बाद जब लोगों ने देखा तो मृतक के सर और शरीर पर अज्ञात लोगों ने चाकू से एक दर्जन से ऊपर वार कर हत्या कर दी थी। फिर इनकी सूचना इटखोरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि शव के पास से दो जोड़ी चप्पल पुलिस को बरामद हुई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जल्दी हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। घटना के वक्त गोपाल ठाकुर और भुवनेश्वरी देवी का फोन पर बात हो रही थी। इसी बीच कुछ अज्ञात लोगों ने मारो मारो बोलते हुए रात में शौच पर बैठे गोपाल ठाकुर के पास पहुंचे। ये आवाज सुनकर भुवनेश्वरी देवी गोपाल ठाकुर का फोन कट कर उसके पुत्र बहादुर के पास फोन की। तुम्हारे पिताजी को कुछ लोग मार रहे हैं। इसी फोन पर बहादुर अपने गांव के कुछ लोगों के साथ अपने पिता की खोजने खेत की ओर चला गया, जिसे बहुत देर बाद उसके पिता का शव उक्त स्थल पर एक खेत में पड़ा मिला। इधर मृतक गोपाल ठाकुर की पत्नी गीता देवी ने इटखोरी में थाने में अपने पति की हत्या संबंधित FIR दर्ज करवाई है। इधर पुलिस शक के आधार पर भुवनेश्वरी देवी और गांव के ही दो युवकों को अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर लिखे जाने तक हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप। एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखण्ड। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।